गुड आफ्टरनून बच्चों, अब तक हमने गद्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत कहानी पढ़ी। कहानी अर्थात जीवन के किसी एक अंग, किसी घटना का कथा तत्वों के आधार पर पाठक तक पहुंचा देना। हमने संस्मरण पढ़ा, बसंत का अग्रदूत निराला अज्ञेय द्वारा लिखा हुआ। संस्मरण अर्थात कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई वस्तु जिससे आप कभी मिले हैं, देखे हैं, सुना है, उसके बारे में स्मृति के आधार पर उसके जीवन की विभिन्न घटनाएं, जिन जिन घटनाओं ने आपको बहुत प्रभावित किया, एक नहीं कई सारी घटनाएं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, अपनी स्मृति के आधार पर आप उसको प्रस्तुत कर, आप अपने बारे में भी बात करते जाते हैं और जिनसे मिले हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी बात करते जाते हैं, सामने वाली घटना के बारे में भी बात करते जाते हैं। फिर हमने पढ़ा रेखाचित्र सोना महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ। हमने पढ़ा रेखा चित्र एक शब्द चित्र है जो तथ्यात्मकता पे आधारित है, वही आप किसी व्यक्ति से मिले हैं, कोई घटना आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा हावी हो गई है, आप उसके अंतर्दृष्टि अंतर तक उतरते हैं, केवल बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य का भी बड़ी प्रभावपूर्ण शैली में एक शब्द चित्र चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टताज। ये गद्य की विभिन्न विधाएं हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टताज। अदम्य जीवन रांगे राघव द्वारा लिखा गया। मैं आऊंगी रांगे राघव पर, मैं आऊंगी अदम्य जीवन पर भी, लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूं कि रिपोर्टताज क्या है। ये गद्य की कौन सी विधा है जिसे हम रिपोर्टताज बोलते हैं, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में रिपोर्टताज बहुत ही नवीन विधा है हिंदी गद्य में। ये जो रिपोर्टताज शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भाव, रोचकता या आकर्षक भावपूर्ण प्रस्तुति। ये जो रिपोर्टताज शब्द है ना बेटा, ये अंग्रेजी में आपने एक शब्द सुना है रिपोर्ट, बस रिपोर्ट के आधार पर ही ये रिपोर्टताज शब्द बना। एक्चुअली इसका जन्म हुआ द्वितीय विश्वयुद्ध के समय, जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था तो जो पत्रकार थे वो विभिन्न घटनाओं का या युद्धों का एक रिपोर्ट भेजा करते थे। उन रिपोर्ट के आधार पर यदि संवेदना के साथ, साहित्यिकता के साथ उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काफी कलात्मकता और भावपूर्ण दृष्टि से भी प्रस्तुत कर दी जाए किसी रिपोर्ट को, तो वो रिपोर्टताज हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो ये जो अदम्य जीवन रिपोर्टताज है ना, इसको हम आज के कोरोना के संदर्भ में पढ़ेंगे। ये अदम्य जीवन रिपोर्टताज में बंगाल के भयंकर जो अकाल पड़ा था, जिससे कि लोग त्राही त्राही कर उठे थे और लाखों लोग मारे गए थे, बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जैसे आज कोरोना की है, जैसे आज हम डरे हुए हैं कोरोना से, लेकिन आज हम काफी एडवांस हैं, पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक विकास हो चुका है, तो आज हम उसका सामना कर रहे हैं। तो रिपोर्टताज वह रिपोर्ट है जो काफी कलात्मक दृष्टि से, रोचक और आकर्षण के साथ एक साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर दी जाए, उसे हम रिपोर्टताज कहते हैं। हिंदी साहित्यकारों ने इसका खूब प्रयोग किया, काफी रिपोर्टताज देखे गए। रांगे राघव का उसमें बहुत प्रमुख नाम है। तो रिपोर्टताज का अर्थ समझ में आया आपको? छोटी सी इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं एक दो, कि रिपोर्टताज किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका एग्जाम में एक प्रश्न भी आता है, रिपोर्टताज का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रिपोर्टताज की कुछ परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको एक दो परिभाषाएं पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। रिपोर्टताज के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके, रिपोर्टताज कहलाता है। समझिए इस परिभाषा को, किसी भी घटना, कोई एक घटना नहीं होती, रिपोर्टताज में कई घटनाएं हो सकती है, किसी भी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जो वस्तु परक है अर्थात जो सत्यता में घटा है, उसको इस तरीके से प्रस्तुत करना कि पाठक के हृदय पर एक अमिट छाप छूट जाए,
उसे कहते हैं रिपोर्टाज। एक परिभाषा और ले लेते हैं कन्हैयालाल मिश्र के अनुसार। रिपोर्टाज घटना का हो, रिपोर्टाज या तो किसी घटना पे लिखी जाएगी, या दृश्य का हो, या मेले उत्सव का हो, उसमें ज्ञान और आनंद का संगम होना चाहिए। समझिए इस परिभाषा को। कन्हैयालाल मिश्र कह रहे हैं कि रिपोर्टाज किसी घटना पे भी लिखी जा सकता है, कोई दृश्य पे भी लिखा जा सकता है, जैसे मतदान का दृश्य, ठीक है, वैक्सीनेशन के बूथ का दृश्य, जो आजकल कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है उसके बूथ का दृश्य आप बता सकते हैं, कोरोना में के जो हॉस्पिटल में जिस तरीके से अभी स्थिति बन रही है उस पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। तो कोई भी दृश्य हो, कोई भी घटना हो, या कोई मेला हो, तीज हो, त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, उसका वर्णन कलात्मक दृष्टि से किया जाए, और इस तरीके से किया जाए कि पाठक को ज्ञान भी मिले और ज्ञान के साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी हो, रोचक भी हो, आकर्षक भी हो, ऐसी रचना को हम रिपोर्टाज कहते हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि यदि आपने परिभाषा का अर्थ समझ लिया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी विशेषताएं निकाल सकते हैं। अब देखिए, इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी विशेषता निकालते हैं कि रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं हैं, और आपको विशेषताएं याद हो जाती हैं तो आप उन सबको सम्मिलित करके, वाक्य संयोजित करके, और आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। इन सबके आधार पर रिपोर्टाज की जो परिभाषा हमारे सामने आ रही है, जो उसकी विशेषताएं हमारे सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि जो रिपोर्टाज है वो रिपोर्ट का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है। सबसे पहली विशेषता हमारे सामने क्या आई कि साहित्यिक प्रस्तुत, कलात्मक प्रस्तुतीकरण, यानी कि रिपोर्ट में तथ्यपरकता होती है, यथार्थ घटना का वर्णन होता है, तो तथ्यपरकता आ गई, कल्पना नहीं होती इसमें, तथ्यपरकता होती है, और उस तथ्यपरक घटना को या दृश्य को हम कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। तो दो विशेषता सामने आ गई, तथ्यात्मकता और दूसरी बात कलात्मकता। और जब कलात्मकता की दृष्टि पर हम नजर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, कलात्मकता से क्या आएगी उस चीज में, उसमें रोचकता आ जाएगी, वो आकर्षक हो जाएगा, रोचकता और आकर्षक, जिससे कि पाठक अधिक से अधिक उसको पढ़े, और जब पाठक उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो मार्मिकता होगी उससे पाठक के मन में संवेदनशीलता आएगी, क्योंकि लेखक भी संवेदन है, संवेदनशील है, और पाठक भी है, तो वो पाठक और लेखक आपस में जुड़ जाएंगे। लेखक ने जो अपनी आंखों से देखा है उस देखने को पाठक लेखक की आंखों से देखेगा, यानी कि संवेदनशीलता इस रिपोर्टाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं कि एक रिपोर्टाज में जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, जब हम उसको पढ़ना शुरू करें तो उसको बंद ही ना कर पाए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, हमें उत्सुकता रहनी चाहिए आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ये सब चीज होनी चाहिए। एक विशेषता और हमने देखी कि रिपोर्टाज केवल उन घटना पर या उन दृश्यों पर लिखा जाएगा जिसका कि लेखक खुद प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका हो, जो उसका स्वानुभूत हो, जिसको उसने अनुभूत किया हो, कल्पना के आधार पर, इतिहास या कोई इतिहास की ऐसी कोई घटना नहीं, मतलब उसने खुद ने उसको देखा हो, तो हम इसको रिपोर्टाज की श्रेणी में रखें। अच्छा, रिपोर्टाज सर लिखते समय लेखक को अपनी दृष्टि को काफी सूक्ष्म रखना पड़ेगा, एक एक चीज का सूक्ष्म परिवर्षण निरीक्षण करना पड़ेगा, तब वो उन चीजों को सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ अपने रिपोर्टाज में प्रस्तुत कर देगा, तो वो रिपोर्टाज काफी विशिष्ट और स्पेशल विशिष्ट रिपोर्टाज बन पड़ेगा। अच्छा, अब लेखक जो रिपोर्टाज लिख रहा है तो उसका ज्ञान होना जरूरी है, जिस विषय पर वो रिपोर्टाज लिख रहा है उसके बारे में उसको पूरा गहरा और गंभीर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कल्पना की, बार बार कह रही हूं, कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखे जाते। एक विशेषता और रिपोर्टाज की हमारे सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि रिपोर्टाज में घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल एक ही घटना का वर्णन हो, कहानी में भी घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन इनका आकार बड़ा सीमित होता है, बहुत उपन्यास की तरह इनका विस्तार नहीं होता है। तो ये सब चीज हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्टाज की विशेषता है कि वो जनजीवन से जुड़ा हुआ हो, जनजीवन की रुचि का हो, जनजीवन के परिस्थितियों को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए, तो जिससे रोचकता और आकर्षक हो जाए। तो इस तरीके से हमने अभी रिपोर्टाज क्या है और रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया। अब चलते हैं रांगे राघव की तरफ, क्योंकि रांगे राघव का अदम्य जीवन आपके कोर्स में है। रांगे राघव बेटा हिंदी साहित्य का जो जगत है उसकी प्रगतिशील धारा के प्रतिनिधि साहित्यकार।
उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे, संस्मरण भी लिखे, कहानी और गद्य में कई सारी रचनाएं लिखी। रिपोर्टाज तो उनके बहुत ही, बंगाल जो बंगाल के अकाल पर जो उनका रिपोर्टाज है अदम्य जीवन तूफानों के बीच में, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज उनका रहा है। लेकिन वो अपनी रचनाओं में समाज में जो अवांछित तत्व आ गए हैं, समाज में जो विडंबनाएं आ गई हैं, उनको खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से उन पर चोट करते हुए और एक मानवतावादी दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि वो प्रगतिशील चेतना से ओतप्रोत होकर अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। तो वो पूंजीपति और सत्ताधारी पक्ष की जो बुराइयां हैं, जो उनका अत्याचार है, जो वो शोषण कर रहे हैं, उसका खुलासा करते हुए, वर्ग संघर्ष का वर्णन करते हुए, वो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे निचला वर्ग है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसके प्रति सहानुभूति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। और कुछ इसी भाव से उन्होंने ये अदम्य जीवन रिपोर्टाज लिखा है। इस अदम्य जीवन रिपोर्टाज बंगाल के एक शिद्धिरगंज नाम का एक स्थान है, वहां भयंकर अकाल पड़ा था। और उस भयंकर अकाल को देखने के लिए हमारा जो लेखक है वो वहां जाता है, और जैसे ही वो उस गांव में प्रवेश करता है तो उसका स्वागत वहां बहुत सारी कब्र होती हैं, कब्रों ने किया। मार्मिकता है बहुत ज्यादा इस अदम्य जीवन रिपोर्टाज में। वो वहां जाता है, वहां के लोगों से मिलता है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के परिवार के परिवार उजड़ गए हैं भूख से, जहां 25-25, 18-18, 20-20 लोग परिवार में होते थे, उनमें से कोई एक एक या दो दो या चार चार पांच पांच लोग बचे हैं। वो जो परिवार जो गांव है उसमें जुलाहा जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, जो कपड़ा बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर इस दुर्भिक्ष में इस अकाल की विभीषिका ने सारे व्यवसायों को चौपट कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अभी कोरोना में हम जी रहे हैं, और जिस तरीके से कोरोना में मौत हो रही है ऐसे अकाल में भी मौत हुई। और चूंकि इस्लाम धर्म में लोगों को कब्र में गाड़ा जाता है, तो पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया है। इस तरीके की मार्मिकता के साथ ये अदम्य जीवन रिपोर्ट आज लिखा गया है। एक तरीके से रिपोर्ट है बंगाल में अकाल, उसको बड़ी मार्मिकता के साथ, रोचकता के साथ, कलात्मकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और हमारे आंखों के सामने वो बंगाल की अकाल की विभीषिका साकार हो उठती है। हम उसके कष्ट को महसूस कर पाते हैं। सच बताऊं, मैंने तो जब ये अदम्य जीवन रिपोर्टाज पढ़ा आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो युग पुनः जीवित हो गया कोरोना के रूप में। बस आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।